ये क्या ये पटना की सड़क है? आप देखिए किस तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। पटना पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, सैकड़ों की संख्या में पटना पुलिस, अब लाठी चार्ज, हल्ला बोल हो चुका है पटना पुलिस का, देख सकते हैं, क्योंकि लगातार पटना पुलिस समझा रही थी और कहते नजर आ रही थी कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, आगे ना बढ़े, मगर अब लाख समझाने के बावजूद अब पटना पुलिस कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर लाठी चार्ज हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं किस तरीके से पटना पुलिस के जो जवान है वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार समझाया जा रहा था तमाम लोगों को मगर समझ नहीं रहे थे, और अब पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं तमाम, अब भी कार्यकर्ता नहीं मान रहे, आप देख सकते हैं अब भी कार्यकर्ता नहीं मानते, आ चुके इसके गोले छोड़ गए, आप देखिए पूरा रंग क्षेत्र में तब्दील, सीधी तस्वीरें, लगातार आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं, देखिए सीधे तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना पुलिस अब कार्रवाई करते दिखाई दे रही है, देखिए कार्यकर्ता लगातार नहीं मान रहे थे और अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा सके। देखिए कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं, पुलिस ने कार्रवाई की फिर भी नहीं माना जा रहा। अब वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, देखिए क्योंकि कार्यकर्ता, देखिए दोनों ही तरफ से उधर से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। पटना पुलिस के जवान अब लाठियां चार्ज कर रहे हैं, रण क्षेत्र में तब्दील पूरा। देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और अब पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार आंसू गैस के गोले, अब रोड़ेबाजी हो रही है, रोड़ेबाजी, अब देखिए लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कुमार के 17 साल के आप लोग राजभवन मार्ग पर जा रहे थे, देख सकते हैं क्योंकि वाटर कैनन का प्रयोग किया गया तो आंखों में पूरा जलन सा हो रहा है, मैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, आंखों में जलन हो रही है, मगर हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में चिराग पासवान कार्यकर्ताओं के साथ पटना के सड़कों पर उतरे थे।